सोचती है कि शायद ये स्वरूप रहे तो इंटरेक्टिव रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा कि वक्ता बोले और अपनी जिज्ञासा का समाधान ले पाए। इतनी विनती करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारा जो आज विषय है पहला प्रिंट मीडिया में अवसर, खबरें मार्केटिंग से भरी हुई, ये सब नेगेटिव पॉइंट एक बार हम साइड में रख देते हैं। जो अच्छे पॉइंट्स हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं है, है। लेकिन अभी आधे घंटे के लिए से भूल जाते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। एक बार मान के चलते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा है। इन पे आपके सवाल जवाब होंगे तो आप इस पर बेशक प्रश्न कर सकते हैं। पत्रकारिता के यदि आप स्टूडेंट हैं तो पत्रकारिता में आपका लक्ष्य क्या है वो लिख दीजिए। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य उम्मीद। पत्रकारिता से आप क्या उम्मीद करते हैं, कैसी तस्वीर देखते हैं पत्रकारिता से, आप अपना क्या कर्तव्य मानते हैं एक शब्द के अंदर। पत्रकारिता के प्रति आपका लक्ष्य क्या, आप सॉरी आपका कर्तव्य क्या है? मैं समझता हूं एक शब्द में यदि लिखना था तो सबका हो गया होगा। अब इसे भूल जाइए, हम बात शुरू करते हैं। हो गया सबका? पर हो चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज हो, मेरे ख्याल से सबने फेस किया होगा, ये करेंगे कि पत्रकारिता के मौजूदा दौर में कौन सा माध्यम सबसे ज्यादा सशक्त मानते हैं आप? प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, मोबाइल या वेब जर्नलिज्म में किसे सबसे ज्यादा सशक्त मानते हैं और क्यों? मेरे ख्याल से ये आपने फेस किया होगा, आज के समय में सबसे ज्यादा कौन सा ज्यादा चलन में है। हो सकता है कुछ लोगों का कहना वेब जर्नलिज्म भी हो सकता है कुछ का कहना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है कुछ का मान के चलते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा है। इन पे आपके सवाल जवाब होंगे तो आप इस पर बेशक प्रश्न कर सकते हैं। पत्रकारिता के यदि आप स्टूडेंट हैं तो पत्रकारिता में आपका लक्ष्य क्या है वो लिख दीजिए। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य उम्मीद। पत्रकारिता से आप क्या उम्मीद करते हैं, कैसी तस्वीर देखते हैं पत्रकारिता से, आप अपना क्या कर्तव्य मानते हैं एक शब्द के अंदर। पत्रकारिता के प्रति आपका लक्ष्य क्या, आप सॉरी आपका कर्तव्य क्या है? मैं समझता हूं एक शब्द में यदि लिखना था तो सबका हो गया होगा। अब इसे भूल जाइए, हम बात शुरू करते हैं। हो गया सबका? पर हो चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज हो, मेरे ख्याल से सबने फेस किया होगा, ये करेंगे कि पत्रकारिता के मौजूदा दौर में कौन सा माध्यम सबसे ज्यादा सशक्त मानते हैं आप? प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, मोबाइल या वेब जर्नलिज्म में किसे सबसे ज्यादा सशक्त मानते हैं और क्यों?